हेलो जी नमस्कार, आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं क्या लगा रही हूँ। तो मैं लगा रही हूँ ये है कंड्याली। तो हमने हल्दी और कंड्याली और अदरक और कुचाड़ू इन तीनों खेतों में हमने लगाए हुए। तो सबसे पहले तो देख रहे हो ना आप लाइन में लगाए हुए, तो सबसे पहले हमने खेतों को तीन बार हल चलाया और उसमें हल के साथ ही घनजीवामृत जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने बनाया हुआ ना, तो वो फेंका और इसको मिलाया मिट्टी में। और उसके बाद हमने लाइनें लगाई और लाइनों में ही हमने हल्दी और कंड्याली सब कुछ लाइनों में लगाया। और उसके बाद हमने इसको ढक दिया और इसकी घास वगैरह से मल्चिंग करी। तो आप देख रहे हो ना, तो अभी भी देखो इतनी मल्चिंग है इसमें, बहुत कोई पत्ते घास वगैरह हमने इस डाला इसमें। तो हम मल्चिंग करने के बाद तो अब हम इसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। तो इसका घास निकाल रहे हैं, मगर अभी कुछ थोड़ी हल्दी जमने को ही थोड़ी बहुत छोटे छोटे लगे हुए निकलने, और अरबी और कंड्याली तो थोड़ी जल्दी निकल जाती है ना, तो वो निकल गई है। देखो अभी बहुत छोटी है, ये निकल रही है अभी। तो इनके बीच से हम घास वगैरह निकाल रहे हैं और इसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। तो ये देखो ये हल्दी है, तो बहुत अभी निकलने को है। मतलब हल्दी बोलते हैं कि लेट निकलती है ना, तो क्योंकि इनमें पानी वगैरह भी नहीं पड़ा, तो बारिश ही लेट हुई तो अभी निकलने लगी हुई है। तो ये देखो ये हमारी हल्दी है और ये हमारी देखो देख रहे हैं आप एक गाय मुन्नी और रानी। तो इन्हीं गाय से हम बनाते हैं घनजीवामृत वगैरह, इनके गौमूत्र और इनके ही गोबर से हम सब कुछ बनाते हैं घनजीवामृत। और आज अब मैंने 10 पर्णी अर्क बनाना है, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, तो पत्ते काफ़ी हो गए। तो क्योंकि बरसात में ही पत्ते होते हैं, तो पूरे साल के लिए 10 पर्णी अर्क बनाना तो पड़ता है। तो ये देखो ये कंड्याली तो हमने कर दी है, अभी हल्दी हमारे हम करने लगे हुए निराई गुड़ाई हल्दी की। और मैं आपको बताऊं कि हमने जो खेतों की मेड़ है ना, उसके ऊपर सेब के पौधे लगाए हुए हैं। तो मैं अभी आपको सेब के पौधे भी बताऊं। तो ये देखो एक कुचाड़ू और कंड्याली, इसकी तो हमने निराई गुड़ाई कर दी है और बहुत ही अच्छी हमने मल्चिंग करी थी इसके ऊपर, ताकि इसमें घास कम मतलब हो। और हमने बिक्रों के ऊपर ना मतलब लाइन में सोयाबीन भी लगाई हुई है। तो ये देखो अभी बहुत छोटी है, मगर ऐसा नहीं हो मतलब ज़्यादा बारिश लग जाए तो निराई गुड़ाई हम करने लग गए थे। तो और बिक्रों के ऊपर हमने जो हमारे मेड़े होती है ना, उसके ऊपर मतलब बेल वगैरह लगाई हुई है मैंने, जैसे कद्दू वगैरह की या खीरा। ये देखो जो काली डंडी वाली है ना वो कंड्याली है, और जो सफ़ेद डंडी वाली है और वो मतलब कुचाड़ू है अरबी। तो ये देख रहे हो आप, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बार महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारो महीने
यहाँ मौसम जाड़ों का, ऋत ए सुहानी है। ये देखो, ये है अरबी। अभी अरबी के पत्ते हमारे हो गए, खैर कचाड़ू बनाने को तो पतीड़ बनते हैं ना अरबी के पत्ते के, तो हो गया अब। तो ये देख रहे हो आप, तो ये देखो बेल, मतलब खेतों की मेड़ों के ऊपर कुछ बेलें भी लगाई हुई है ना सब्जी के लिए, और आप देख रहे हो ना, और मेड़ों के ऊपर ही हमने ये देखो कुछ भिंडी भी लगाई हुई है, और आप देख रहे हो ना, ये देखो इतने इतने सेब के पौधे जो लगाए थे वो इतने इतने हो चुके हैं हमारे, मतलब बिकर बिकर। ये देखो अभी हमने पिछले ही नवंबर दिसंबर में इसको लगाया था, तो सभी को हमने लाइन लाइनों में लगाया हुआ है। और ये देखो अभी थोड़ी सी छोटी छोटी है, ये देखो मल्चिंग करी हुई है, तो काफ़ी मल्चिंग करी हुई है ताकि घास कम आता है तब मल्चिंग करके। तो मैं तो बोलती हूँ कि हमारे को प्राकृतिक खेती, सभी को ही प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारा देखो खाद वगैरह नहीं खरीदने पड़ती। तो ये देखो, ये मैंने बोला ना आपको कि बीड़ के ऊपर हम मेड़ों के ऊपर हमने लगाए हुए सेब, तो ये देखो इतने इतने हुए हमारे सेब। हुसन पहाड़ों का क्या कहना कि बार महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो ये है जी अग्निस्त्र, अग्निस्त्र बना के रखा हुआ है, जब भी कभी जरूरत पड़ती है ना तो इसकी हम स्प्रे कर लेते हैं, पहले ही बना के रखा हुआ है, और इसमें भी अग्निस्त्र ये बनाया हुआ। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और बताना कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं और आपके कैसी बरसात है। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।